हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? అవి తెలుగు భాష సిఖనా బహుత్ ఆసానే క్యూకి హమ్ లోగ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ సిఖ రహే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మే ఆప్ స్ట్రాంగ్ రహేంగే తెలుగు భాష కో ఆప్ ఆసానీ సే సమజ్ సక్తే హై సిఖ సక్తే హై బోల్ సక్తే హై హమ్ ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 సిఖ చుకే హై ఏ పార్ట్ 1 హై ఇస్కా లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ మే హై ఆప్ దేఖ్ సక్తే హై పార్ట్ 1 ఆప్ దేఖేంగే పార్ట్ 2 సిఖనే మే ఆసానీ రహేగా ఇస్ వీడియో కో జరూర్ దేఖే ఆజ్ హమ్ పార్ట్ 2 సిఖతే హై इस वीडियो को लाइक करना कमेंट करना मत भूलिए। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हमको सेंटेंस बनाना है जैसे मेरा नाम, मेरी कार, मेरे पैसे, मेरा, मेरी, मेरे, इंग्लिश में मैं, माय नेम, माय कार, माय मनी, इधर मैं, मेरा, मेरी, मेरे, तेलुगु में हम ना का इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम, नाम पेरु, नाम पेरु, ना पेरु, मेरी कार, ना कारु, मेरे पैसे, इधर पैसे तेलुगु में डब्बुलु, डब्बु एकवचन में है, डब्बुलु हम बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं, मेरे पैसे, ना डब्बुलु, इधर मेरा, मेरी, मेरे, इसको तेलुगु में हम ना का इस्तेमाल करते हैं, मैं, इसको ना, मेरा नाम, ना पेरु, मेरी कार, ना कारु, मेरे पैसे, ना डब्बुलु, इधर हम ना का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कार, तुम्हारे पैसे, इधर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हम तेलुगु में नी का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में होगा तो युवर, युवर नेम, युवर कार, युवर मनी। तुम्हारा नाम, नी पेरु, तुम्हारी कार, नी कारु, तुम्हारे पैसे, नी डब्बुलु, इधर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हम नी का इस्तेमाल करते हैं। आपका, इंग्लिश में योर ही बोलते हैं, आपका, आपका नाम, आपकी कार, आपके पैसे, तेलुगु में आपका, आपकी, आपके, हम नी का इस्तेमाल करते हैं। योर नेम, योर कार, योर मनी। आपका नाम, नी पेरु, आपकी कार, नी कारु, आपके पैसे, मी डब्बुलु, इधर हम मी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा, हवर, इसको तेलुगु में हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। हमारा घर, माँ इल्लू, घर, इसको तेलुगु में इल्लू बोलते हैं। हमारा घर, माँ इल्लू, हमारी कार, माँ कारु, हमारे पैसे, माँ डब्बुलु, इधर माँ डब्बुलु बोलते हैं। इधर हमारा, हमारी, हमारे, हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। उसका, हिस, जब पुल्लिंग में बोलना है हिस, इसको तेलुगु में अतनी का इस्तेमाल करते हैं। जब हर बोलना है स्त्रीलिंग में हम आमे का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम, पुल्लिंग में बोलना है अतनी पेरु, स्त्रीलिंग में आमे पेरु। उसकी कार, हिस कार, अतनी कारु, स्त्रीलिंग में बोलना है आमे कारु। उसके पैसे, हिस मनी, जब पुल्लिंग में बोलना है अतनी डब्बुलु, स्त्रीलिंग में बोलना है आमे डब्बुलु। इधर उसका, उसकी, उसके, जब पुल्लिंग में बोलना है हम अतनी का इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग में बोलना है आमे का इस्तेमाल करते हैं। इधर नी इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर नी, इधर मी, इधर नी, ये चीज आपको याद रखना है। हिस, अतनी, हर, हम आमे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसका, हम स्त्रीलिंग में इतनी, इसका नाम, इतनी पेरु, इसकी कार, इतनी कार, इसके पैसे, इतनी डब्बुलु, स्त्रीलिंग में बोलना है इसका नाम, ईमे पेरु, इसकी कार, ईमे कारु, इसके पैसे, ईमे डब्बुलु बोलते हैं। उनका, जब हम रेस्पेक्ट से बोलते हैं हम तेलुगु में वारी का इस्तेमाल करते हैं। उनका नाम, वारी पेरु, उनकी कार, वारी कारु, उनके पैसे, हम वारी डब्बुलु, इधर उनका, उनकी, उनके, जब हम रेस्पेक्ट से बोलते हैं हम वारी का इस्तेमाल करते हैं। बहुवचन में जब बोलना है हम वाला का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे बोलना है उनका घर, बहुवचन में वाला इल्लु, उनके पैसे, वाला डब्बुलु बोलते हैं। इधर वाला हम बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं, वारी हम रेस्पेक्ट से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इनका, हम वीरी, इधर वारी, इधर वीरी, इधर वाला, इधर वीला का इस्तेमाल करते हैं।
इनका नाम वीरी पेरु, इनकी कार वीरी कारु, इनके पैसे वीरी डब्बुलु। यदि बहुवचन में बोलना है, इनका घर वीला इल्लु, इनके पैसे वीला डब्बुलु बोलते हैं। इधर इनका, इनके, इनके हम रेस्पेक्ट से वीरी का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुवचन में वीला का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। जब भी वस्तु के बारे में बोलना है, मेरा है या मेरी है, जैसे पेन मेरा है, इधर मेरा है या मेरी है, हम नादि का इस्तेमाल करते हैं। पेन मेरा है, पेन नादि, कार मेरी है, कार नादि, एकवचन में नादि का इस्तेमाल करते हैं। यदि बहुवचन में बोलना है, जैसे बहुत सारे पेन्स हैं, पेन्स मेरे हैं, पेन्स बहुवचन में जब बोलते हैं, तेलुगु में पेन्नुलु, पेन्नुलु बोलते हैं, पेन्नुलु। इधर जब बहुवचन वस्तु के बारे में बोलते हैं तो तेलुगु में लू का इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन में लू, पेन्नुलु, पेन, पेन्नुलु। पेन्स मेरे हैं, पेन्नुलु नावी, इधर हम नावी का इस्तेमाल करते हैं जब बहुवचन में बोलना है। जैसे पैसे मेरे हैं, पैसे डब्बुलु, डब्बुलु नावी बोलते हैं। एकवचन में नादि, बहुवचन में नावी, जब बोलना है मेरा है या मेरी है, नादि एकवचन में, मेरी है, जब है का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में है इस्तेमाल करते हैं हम बहुवचन में, मेरी है या मेरे हैं, तब नावी का इस्तेमाल करते हैं। मेरा है क्या, पेन मेरा है क्या, इधर एकवचन में पूछ रहे हैं, मेरा है क्या या मेरी है क्या, तो नादा एकवचन में नादा का इस्तेमाल करते हैं। यदि बहुवचन में पूछना है, जैसे बहुत सारे पेन्स हैं, मेरे है क्या, जब बोलना है इधर है का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में है क्या, मेरे है क्या, तब इधर नावा। जब प्रश्न पूछना है, मेरा है क्या, नादा एकवचन में, बहुवचन में मेरे है क्या या मेरी है क्या, नावा का इस्तेमाल करते हैं। इधर देखिए सब दीदी का इस्तेमाल करते हैं, जब एकवचन में बोलना है, मेरा है नादी, मेरे है नावी, इधर मेरा है क्या, मेरी है क्या, जब एकवचन में पूछना है नादा, बहुवचन में पूछना है नावा का इस्तेमाल करते हैं। इधर वी, इधर वा, ये चीज आपको याद रखना है। बोलना है मेरा नहीं है, इधर मेरा नहीं है हम एकवचन में बोल रहे हैं, पेन मेरा नहीं है, इधर मेरा नहीं है, मेरा है नादी, इधर नहीं हम खादु का इस्तेमाल करेंगे, मेरा नहीं है नादि खादु, पेन मेरा नहीं है, पेन नादि खादु। यदि बहुवचन में बोलना है, पेन्स मेरे नहीं है, इधर मेरे नहीं है जब बहुवचन में बोलते हैं, इधर नावी खादु, नावी खादु का इस्तेमाल करते हैं। इधर नादि की जगह पे नादि एकवचन में हो गया, नावी हम बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, मेरा है या मेरी है एकवचन में नादि, बहुवचन में बोलना है मेरी है या मेरे है नावी, मेरा है क्या जब एकवचन में बोलना है नादा, मेरे है क्या जब बहुवचन में बोलना है नावा, मेरा नहीं है जब एकवचन में बोलते हैं नादि खादु, मेरे नहीं है जब बहुवचन में बोलते हैं नावी खादु इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तुम्हारा है या तुम्हारी है, इसको नीदी, पेन तुम्हारा है, पेन निधि, कार तुम्हारी है, कार निधि बोलते हैं। यदि बहुवचन में बोलना है, तुम्हारी है या तुम्हारे हैं, जब इधर है का इस्तेमाल करते हैं, इधर नादी नावी, इधर निधि हम नीवी बोलेंगे, नीवी का इस्तेमाल करते हैं, नीवी, तुम्हारे हैं नीवी, पैसे तुम्हारे हैं डब्बुलु नीवी, निधि एकवचन में, नीवी बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तुम्हारा है क्या, इधर नावी, इधर नीवी, तुम्हारा है क्या या तुम्हारी है क्या, जब एकवचन में पूछते हैं हम नीदा का इस्तेमाल करेंगे, यदि बहुवचन में पूछना है तुम्हारे है क्या, तब इधर नीवा, इधर नावा, नादा एकवचन में, नावा बहुवचन में, इधर नीदा एकवचन में, नीवा बहुवचन में। इसी तरह तुम्हारा नहीं है या तुम्हारी नहीं है, जब एकवचन में बोलना है नीदी खादु, तुम्हारा है नीदी,
इधर नहीं कादू का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा नहीं है नीदी कादू, बहुवचन में बोलना है तुम्हारे नहीं है, तब इधर नीवी कादू, नीवी कादू का इस्तेमाल करते हैं, नीवी कादू। इधर नावी कादू, इधर नीवी कादू, नीवी कादू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपका है या आपकी है बोलना है मीदी का इस्तेमाल करेंगे, पेन आपका है पेन मीदी, कार आपकी है कार मीदी, ये एक ऑप्शन में हो गया। जब बहुवचन में बोलना है आपके हैं, इधर मीवी, इधर देखिए मीवी, इधर मीवी। इसी तरह आपका है क्या, जब एक ऑप्शन में बोलना है वस्तु के बारे में मीदा, यदि बहुवचन में बोलना है आपके हैं क्या, तब इधर मीवा का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको याद रखना, मीदा एक वचन में, मीवा बहुवचन में, इधर सब एक वचन में दादा का इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन में वावा का इस्तेमाल करते हैं, इधर दीदी का इस्तेमाल करते हैं। जब एक वचन में बोलना है मेरा है तुम्हारा है, इधर जब बहुवचन में बोलना है वीवी का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं। इधर आपका नहीं है जब बोलना है मीदी खादू, पेन आपका नहीं है पेन मीदी खादू, जब बहुवचन में बोलना है आपके नहीं है, तब इधर मीवी का इस्तेमाल करेंगे, मीवी, बस इतने मीवी का इस्तेमाल करेंगे। कितना आसान है ना फ्रेंड्स, इधर मीदी इधर मीवी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारा है या हमारी है जब बोलना है मादी, घर हमारा है इल्लु मादी, हमारा है क्या जब प्रश्न पूछना है, इधर मादा, ये हो गया एक वचन में। जब बहुवचन में बोलना है हमारे हैं क्या, पैसे हमारे हैं क्या, तब इधर मावा का इस्तेमाल करेंगे, इधर सब मावा, इधर सब वीवी। ये चीज आप याद रखेंगे, आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं। हमारा नहीं है जब एक वचन में बोलना है मादी खादू, हमारा है मादी, इधर नहीं खादू, हमारा नहीं है मादी खादू, हमारे नहीं है जब बहुवचन में बोलना है पैसे हमारे नहीं है, तब मावी खादू बोलते हैं, मावी, इधर मावी का इस्तेमाल करेंगे, मावी खादू। इसी तरह उसका है जब पुल्लिंग में बोलना है अतनिधि, अतनिधि, पेन उसका है पेन अतनिधि, ये हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में पेन उसका है जब बोलना है पेन आमेदि, आमेदि बोलते हैं। जब बहुवचन में बोलना है कैसे बोलेंगे, उसके हैं जब बोलना है, इधर अतनिवि, इधर दी की जगह में हम वी का इस्तेमाल करेंगे, अतनिवि। इसी तरह आमेदि, इधर आमेवि बोलेंगे, पैसे उसके हैं डब्बुलु आमेवि, इधर वी का इस्तेमाल करेंगे, दी एकवचन में वी बहुवचन में। एक चीज आप याद रखेंगे, आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं। इसी तरह उसका है क्या जब प्रश्न पूछना है एकवचन में अतनिदा, अतनी दा, इधर दा जोड़ देंगे, अतनी दा एक वचन में हो गया। बहुवचन में जब पूछना है अतनिवा, हम इस्तेमाल करेंगे अतनिवा। पेन उसके है क्या, पेनुलु अतनिवा। स्त्रीलिंग में बोलना है उसका है क्या आमेदा, एक वचन में हो गया। जब बहुवचन में पूछना है पेन उसके है क्या, पेनुलु आमेवा, इधर भी हम वा का इस्तेमाल करते हैं, वा हो गया बहुवचन में, दा हो गया एक वचन में। ये चीज आपको याद रखना है। उसका नहीं है जब एक वचन में बोलना है पेन उसका नहीं है, पुल्लिंग में बोलेंगे पेन अतनिधि खादू, स्त्रीलिंग में बोलेंगे आमेदि खादू। यदि बहुवचन में बोलना है पेन उसके नहीं है, पेन्नुलु अतनिवि खादू, इधर वी का इस्तेमाल करेंगे, अतनिवि खादू। स्त्रीलिंग में बोलेंगे आमेवि खादू, इधर वी का इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन में वी। इसी तरह इसका है पुल्लिंग में इतनिधि, स्त्रीलिंग में इमेदि। जब बहुवचन में बोलना है इसके हैं इतनिवि, इधर इमेवि। इसका है क्या जब एक वचन में बोलना है इतनिदा, ये पुल्लिंग में पूछते हैं, इमेदा हम स्त्रीलिंग में पूछते हैं। यदि बहुवचन में पूछना है इसके हैं क्या, तब इधर दा की जगह में हम वा का इस्तेमाल करेंगे, इतनिवा पुल्लिंग में, इमेवा हम स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसका नहीं है जब बोलना है एक वचन में,
अब इतनी खादो पेन इसका नहीं है, पेन इतनी दिखा दो, ये पुल्लिंग में हो गया। स्त्रीलिंग में बोलेंगे पेन इमे दिखा दो। यदि बहुवचन में बोलना है पेन इसके नहीं है, पेन्नुलु इतनी भी खादु, इधर वी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ई में भी खादु, पेन्नुलु ई में भी खादु बोलते हैं। उनका है या उनकी है जब बोलना है वारिदी, पेन उनका है पेन वारिदी, सीट उनका है सीट वारिदी, ये रेस्पेक्ट से हो गया। बहुवचन में हम वाल्लदी का इस्तेमाल करते हैं, उनका है वाल्लदी। यदि उनके हैं जब बोलना है इधर वारिवी, इधर दी की जगह में हम वी का इस्तेमाल करेंगे वारिवी, इधर भी दी की जगह में हम वी का इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे वाल्लवी। उनका है क्या जब प्रश्न पूछना है एकवचन में वारिदा, इसी तरह बहुवचन में वाल्लदा। उनके है क्या जब पूछना है, इधर है का इस्तेमाल करते हैं बहुवचन में, तब इधर वारिवा, इधर वाल्लवा, इधर दा के जगह में हम वा का इस्तेमाल करेंगे। उनका नहीं है जब बोलना है वारिदी कादु, पेन उनका नहीं है पेन वारिदी कादु, ये रेस्पेक्ट से हो गया। बहुवचन में बोलेंगे वाल्लदी कादु। जब बोलना है उनके नहीं है ये बहुवचन में, इधर हम वी के जगह में वी का इस्तेमाल करेंगे, वारिवी कादु, इधर वाल्लवी कादु बोलते हैं। इनका है जब बोलना है इधर वीरदी, पेन इनका है पेन वीरदी, ये रेस्पेक्ट से हो गया। बहुवचन में बोलेंगे वील्लदी। इनके है जब है का इस्तेमाल करते हैं तब इधर वीरवी, इधर वील्लवी का इस्तेमाल करेंगे। दी के जगह में हम वी का इस्तेमाल करते हैं। इनका है क्या जब पूछना है पेन इनका है क्या, पेन वीरिदा, पेन वील्लदा, इसका इस्तेमाल करते हैं। है क्या जब बोलना है इधर दा के जगह में वा का इस्तेमाल करेंगे, वीरिवा अथवा वील्लवा। इनका नहीं है जब बोलते हैं वीरिदि कादु, पेन इनका नहीं है पेन वीरिदि कादु, ये रेस्पेक्ट से हो गया। बहुवचन में जब बोलेंगे वील्लदि कादु बोलते हैं। इनका नहीं है जब इधर है का इस्तेमाल करते हैं हम, इधर दी के जगह में वी का इस्तेमाल करेंगे, वीरवी खादु, इधर वील्लवी खादु बोलते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, कब हम दा का इस्तेमाल करेंगे दी, इधर दा, इधर वी, इधर वा कब इस्तेमाल करेंगे, ये चीज आप याद रखेंगे। आप आसानी से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, छोटे से लंबे वाक्य भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स इतना समझ में आगे होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो मिलता है। थैंक यू।